हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजु पैंथर। नाउ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने फोटोज एंड साइन अपलोड कर दी थी। फोटो एंड साइन अपने अपलोड हो गई है और लास्ट में एक डॉक्यूमेंट में हम लोग को फोटो आईडी प्रूफ हम लोग अपलोड कर दी थी, वो भी हम लोग ने अपलोड कर दिया है। इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं पेमेंट। ये लास्ट ऑप्शन, लास्ट स्टेप है अपना। एक बार अपना पेमेंट हो गया तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीट हो जाएगा। सी, यहाँ पे एग्जाम नेम दिया होगा, एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट होगा, कैंडिडेट नेम, एग्जामिनेशन फीस 1600 बिकॉज मैंने दोनों सेलेक्ट किया हुआ था। लेट फीस नहीं है बिकॉज मैंने 29.5 के पहले फिल कर रहा हूँ। अभी पेमेंट, अपना पेमेंट स्टेटस क्या, अनपेड। तो सबमिट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स। ये वैलेट है, 1% ट्रांजेक्शन लगने वाला फॉर एनी अमाउंट। नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं हम लोग, किस पे कितने चार्ज लगने वाले वो दिया हुआ। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड है आपके पास तो वही पेमेंट कर सकते हैं। IMPS है अपने पास और UPI का ऑप्शन भी दिया है, तो अच्छे खासे ऑप्शन दिए। इसमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट किया। सी, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, डेबिट कार्ड पेमेंट, नो चार्ज ट्रांजेक्शन फॉर अप टू 2001% ट्रांजेक्शन। सी, तो ऑल बैंक क्रेडिट कार्ड इस पे सिलेक्ट कर देते हैं हम लोग। सी, पूरी डिटेल दे दी है उसने। सी, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। सो डेबिट कार्ड, सी यहाँ पे चार्जेस 1614.16, तो 14.16 उसका चार्ज है। आपको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर फिल करना है, उसकी एक्सपायरी डेट फिल करनी है, सीसीवी नंबर फिल करना है। व्हाट इज सीसीवी नंबर? सीसीवी नंबर क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट का नंबर होता है, वो वहां पे लिखना है। नेक्स्ट क्या अपना, यहाँ पे पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी क्या होगा, आपके नंबर पे, आपके मोबाइल नंबर पे, जो उस बैंक से रजिस्टर्ड नंबर है उस नंबर पे आपके पास OTP जाएगा। वो OTP फिल करो और आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट हो गई तो आपको डेफिनेटली पेमेंट का ट्रांजेक्शन का मैसेज आ जाएगा। फिर आपके ईमेल आईडी पे, जो आपने इस फॉर्म में ईमेल आईडी फिल की है, उसमें आपको पेमेंट सक्सेसफुल का स्टेटस शो करने लगता है। सो इसके बाद सी, जब आप वापस लॉग इन करेंगे तो आपके पास वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, सी लॉग इन कर लेते हैं हम लोग। हम लोग ने अगेन लॉग इन कर लिया है। सो यहाँ पे सी डाउनलोड रिसीप्ट, आपने एक बार पेमेंट कर दी तो आपको उसको यहाँ से आप रिसीप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अपना पूरा एप्लीकेशन देखना तो यहाँ से पूरा का पूरा एप्लीकेशन मिल जाएगा अपने को, ठीक है। और एक बार फिल करने के बाद आप ये दोनों सेव करके रख लो, आपने जो फोल्डर बनाया है उसमें सेव करके रख लो। और लास्ट में अपना 5th अप्रैल है, 5th अप्रैल के आसपास एडमिट कार्ड अपना इशू हो जाएगा। So that's it for this session. इस session में हम लोगों ने पूरा MHCET का form filling process देख लिया। Now next session से हम लोग again boards के question पे आ जाएंगे, boards के important questions solve करेंगे और उसके बाद हम लोग MHCET की preparation करेंगे। तो अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लीजिए। Thank you.